हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्या? साइक्लाइजेशन ऑफ फ्रुक्टोज। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसका यूज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा है। हम लोग आगे जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि माल्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, लैक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, सुक्रोज का स्ट्रक्चर हो गया, वो सब बनाने के लिए हम लोग का साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज साइक्लाइजेशन ऑफ फ्रुक्टोज ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप मिस मत करना, एक एक पॉइंट आप ध्यान देना क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा भी वीडियो को मिस किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो जैसा कि आप लोग को पता है, फॉर्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का क्या है? C6H12O6। ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज एज वेल एज फ्रुक्टोज का। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के अंदर होता है CHO ग्रुप, और फ्रुक्टोज के अंदर होता है हम लोग का कीटोन ग्रुप। तो यही एक डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका स्ट्रक्चर? फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज का मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला के बेसिस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला के बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर और साइक्लाइजेशन ऑफ फ्रुक्टोज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करो फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला जो कार्बन रहेगा वो रहेगा CH2OH। सेकेंड वाला ही कार्बन, क्योंकि कीटोन है ना, तो सेकेंड वाले कार्बन पे आएगा हम लोग का कीटोन ग्रुप। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सी डबल बॉन्ड ओ। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्या? नीचे पहले ड्रॉ कर दो CH2OH, क्योंकि ये बॉटम में हम लोग का मोस्ट ऑफ टाइम रहता है। थर्ड वाले कार्बन पे क्या रहेगा? H और OH। फोर्थ वाला कार्बन ड्रॉ करो, नॉर्मल जैसा ग्लूकोज था उसी तरह का, ओ एच और एच। फिफ्थ वाला ओ एच और एच, और सिक्स्थ वाला तो ये हो ही गया। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ग्लूकोज में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट वाले कार्बन एटम से, बट यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन एटम एक्टिव नहीं है, तो कहाँ से करेंगे हम लोग स्टार्ट? सेकेंड वाले कार्बन एटम से। ये जो हम लोग का है कीटोन ग्रुप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले कार्बन से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर दिया कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, अब फर्स्ट वाला कार्बन एज इट इज़ यहाँ पे बना दो, उसका कोई रोल नहीं है, CH2OH। इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? थर्ड वाला कार्बन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड कार्बन। फिर फोर्थ वाला कार्बन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया फोर्थ कार्बन। फिफ्थ वाला ड्रॉ करते हैं, ये हो गया फिफ्थ वाला कार्बन। यहाँ तक ड्रॉ कर लिए। एक बात ध्यान दो, हम लोग ने जैसे कि ग्लूकोज का किया था साइक्लाइजेशन, नहीं देखा रहेगा तो आप जाके देख सकते हो फिफ्थ वाला लेक्चर हम लोग का, तो वहाँ पे हम लोग ने साइक्लाइजेशन किया था उसी हिसाब से। तो यहाँ पे वापस मैं बता देता हूँ कि जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको ड्रॉ करेंगे हम लोग अपवर्ड साइड में। तो ध्यान दो, राइट हैंड साइड में क्या है हम लोग का? ये थर्ड वाले कार्बन पे, क्योंकि सेकेंड तक तो ड्रॉ कर लिया। थर्ड वाले पे राइट हैंड साइड में क्या है? एच। तो ड्रॉ करो किधर आएगा एच? नीचे आएगा। अब कहाँ हम लोग का? लेफ्ट हैंड साइड पे ओ एच। कहाँ पर ड्रॉ करने का? अबव ओ एच। हो गया। फोर्थ वाला कार्बन ड्रॉ करते हैं। फोर्थ वाले कार्बन पे क्या है बताओ? राइट हैंड साइड पे ओ एच और लेफ्ट हैंड साइड पे एच, तो उसको ऊपर बना लिया। फिफ्थ वाले कार्बन पे कैसा है बताओ? ओ एच राइट हैंड साइड पे, तो नीचे, और H ऊपर, ये ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला इसको एज इट इज़ यहाँ पे बना दो। अच्छा, इसमें बताओ रिएक्टिव कौन सा वाला है? रिएक्टिव हम लोग को पता है क्या है? ये OH है। तो क्या करेंगे? इसको रोटेट कर दो। मतलब क्या करना है? ये OH को इस जगह पे भेज दो, CH2OH को H के जगह पे ले आओ, और H को किधर लेके आओ? OH के जगह पे। तो इसको क्या करो? चेंज कर दो इसका पोजिशन। तो पहला स्टार्टिंग का जो है वो उसको एज इट इज़ ड्रॉ करो। कैसा? सी डबल बॉन्ड हो, CH2OH। ओके, फिर क्या आएगा हम लोग का? यहाँ पे H नीचे OH ऊपर, H ऊपर OH नीचे, फिर OH नीचे H। अब OH तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया ना, तो H नीचे आ जाएगा, यहाँ पे OH चला जाएगा,
और सी एच टू ओ एच यहाँ पर आएगा। मैं इस प्रोसेस में एक और चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ इस स्टेप में, तो और इजी हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम लोग का कीटोन ग्रुप है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक प्रोटॉन दे देंगे, मतलब H प्लस आयन हम लोग ऐड करेंगे। तो होगा क्या है, इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला प्रोटॉन ये ले लेगा, तो होगा क्या है, यहाँ पे वो H आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे H आएगा, ये हम लोग का जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, तो 3 में अनस्टेबल हो जाता है, तो होगा क्या, तुरंत इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम लोग को ऑक्सीजन अनस्टेबल फॉर्म में चाहिए क्या, नहीं, तो इसको स्टेबल करना है। तो होगा क्या, ये जो हम लोग का है OH, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा ये वाले कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन को उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, प्लस उसका जो दो वैलेंसी था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, ओके, चलो यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो चलो इसको ब्रेक करो, 5 मेंबर रिंग फॉर्म करो। हम लोग ने क्या किया, इसको यहाँ पे अटैक किया, तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड में, और ये CH2OH मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या है हम लोग का, इसको बाकी सबको एज इट इज़ ड्रॉ करो, H OH OH H H CH2OH, और ये OH जो था इसका O लिखा और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन बचा है ना, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करो। लेकिन जैसे ये वाला ऑक्सीजन देखो, तो इसके पास भी क्या हो गया, 3 वैलेंसी हो गया, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने प्रोटॉन ऐड किया था, एक्स्ट्रा ऐड किया था बाहर से, तो क्या करेंगे, इस ये प्रोटॉन चाहिए क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन को निकाल देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। सो क्या करेंगे, माइनस H प्लस आयन, तो जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हम लोग का, स्टेबल। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, होगा क्या, बनेगा हम लोग का ये CH2OH, यहाँ पे क्या है, H OH OH H CH2OH, और यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन ये अटैच हो गया, ये हो गया हम लोग का 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग का ये कंपाउंड बन गया। अभी ये सारे चीज़ें हम लोग याद कैसे रखें कि OH और H, मैंने पहले बता दिया, जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा उसको नीचे साइड में ड्रॉ करो ना, तो कार्बन काउंट करके हम लोग क्या करेंगे, उसको डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेंगे। चलो अभी एक और चीज़ ध्यान दो, कि हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है, ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम लोग का अल्फ़ा है कि बीटा, क्योंकि हम लोग का दोनों बनेगा, अल्फ़ा और बीटा दोनों बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर OH, मैंने इसको स्ट्रेट लिखता हो, तो अगर OH मेरा नीचे रहेगा यहाँ पे डाउनवर्ड, ओके, और CH2OH ऊपर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा डी फ्रुक्टो फ्यूरनोस। और अगर मैं क्या कर दूँ, ये OH को ऊपर ड्रॉ करूँ और CH2OH को नीचे ड्रॉ करूँ, तो ये अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरनोस। तो यही डिफरेंस है कि अगर OH ऊपर रहेगा तो बीटा, और अगर OH नीचे रहेगा तो अल्फ़ा। हो गया, अंडरस्टैंड, एक बार हम लोग गो थ्रू करते हैं और ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ये हम लोग का क्या है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर चेंज क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। ओके, अब क्या होगा, सबसे पहले इसको साइक्लिक बनाएंगे, तो सेकेंड वाला जो कार्बन है ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ किया CH2OH, इसको एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। थर्ड वाला कार्बन में राइट हैंड साइड पे एच है तो उसको नीचे लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे ओ एच है तो ऊपर लिखा, तो जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा उसको डाउनवर्ड ड्रॉ करो और लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको अपवर्ड ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने ये बना के दे दिया है, इसको नोट करके ले लो। ओके, नोट करके ले लिया। अब क्या करेंगे, ये वाले कंपाउंड में मेरे को OH रिएक्टिव है, तो OH को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे आएगा CH2OH इधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया, बन गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्टेप में क्या ऐड कर देंगे, प्रोटॉन भी ऐड कर देंगे, तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, मोर रिएक्टिव साइड। मोर रिएक्टिव कौन है हम लोग का, कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन, तो इसके बाद लोन पेयर है, ये प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन ले लिया, जैसे ही प्रोटॉन लेगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसके लिए क्या आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज आया मतलब ये अनस्टेबल हो गया, इसको स्टेबल करना है, तो होगा क्या, ये वाला OH पार्टिसिपेट करेगा,
ये करेगा इस पे अटैक, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में और हम लोग का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग का ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो गया, लेकिन ये स्टेबल हो गया लेकिन इसको अनस्टेबल कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए पहले प्रोटॉन डाला था एक्स्ट्रा, तो उसको निकाल दो, प्रोटॉन निकाल दिया, तो हम लोग का क्या हो गया, ये बन गया अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टो फ्यूरनोज। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें अगर OH ऊपर रहेगा तो बीटा, अगर OH को नीचे ड्रॉ किया तो अल्फा। ओके डन, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट साइक्लाइजेशन ऑफ फ्रुक्टो फ्यूरनोज। किसके बेसिस पे, हम लोग ने हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला के बेसिस पे किया फ्रुक्टोज का साइक्लाइजेशन। ओके, अभी इसके बाद के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बारे में, तो वीडियो मिस मत करना बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्ट्रक्चर याद रखो, सिर्फ चार स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर ही याद रखना है। एक याद रखना है बीटा, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरनोज, एंड तुम लोग को याद रखना है अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। ये तीन स्ट्रक्चर याद रखो, आगे के सारे स्ट्रक्चर हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थैंक यू सो मच।